हेलो माय लवली फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू दिस माय चैनल। मैं हूं आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर सुनील शास्त्री और आप देख रहे हैं ज्योतिष से जुड़ी कुछ विशेष और स्पेशल एडिशनल बातें। तो प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैटर्न इन थर्ड हाउस की प्लेसमेंट पर। तो सैटर्न इन थर्ड हाउस की प्लेसमेंट आपके लिए कैसी रहेगी, इसके बारे में समस्त जानकारी, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि इस तरह की और जो वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। श्री राम जय 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 राम जय राम। प्रिय दर्शकों, कोई जातक हो या जातिका, जिनकी भी लग्न कुंडली में थर्ड हाउस में यदि शनि देव बैठे हों, सैटर्न इन थर्ड हाउस की प्लेसमेंट हो, तो दोस्तों उसका क्या प्रभाव हमारे आपके जीवन पर पड़ने वाला है, किस तरह का शुभ या अशुभ फल मिलेगा शनि के तीसरे भाव में होने से, तो आइए जानते हैं और ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है इस पर विशेष रूप से हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है, सहज मंदिर गे तपनात्मजे भवति सर्वसहोदर नाशकः तदनुकूल नृपेण समो नरः स्वसुत पुत्र पुत्र कलत्र समन्वितः। दोस्तों, शास्त्र कहता है, तृतीय भाव में जिन जातक जातिकाओं के शनि बैठे हैं, वो शनि उनके भाई बहनों के लिए अच्छे नहीं होते। सहोदर भाई बहनों के लिए शनि जो है तीसरे घर में अच्छे नहीं माने जाते। पहले तो ऐसे लोगों के भाई बहन नहीं होते, और यदि होते भी हैं तो ऐसे लोगों यानी कि उनसे ज़्यादा संबंध ना रखने वाले होते हैं, उनसे बनती नहीं है ऐसे लोगों से अपने भाई बहनों की। लेकिन ऐसे खुद व्यक्ति जो है उत्तम राजा के समान होते हैं, राजा के समान इनका वैभव और आभा प्रभाव होती है, इज्जत मान पद प्रतिष्ठा होता है। अपने पुत्र और स्त्री से सुख के सुख से युक्त ऐसे लोग होते हैं। शनि तीसरे घर में बैठ करके आपको एक न्याय प्रिय बनाता है। आप जो है कभी किसी के साथ धोखाधड़ी या अन्याय वाली कभी बात कर नहीं सकते, और वहीं शनि आपको बहुत ज्यादा तीव्र बुद्धि वाला, चतुर बुद्धिमान बनाते हैं। गहरी बुद्धि वाले, गहरी सोच को सोचने वाले आप हो जाते हैं। दूसरों को अच्छी सलाह देना आपको बहुत पसंद है, और आपके पास सलाह लेने के लिए लोग आते हैं। आपकी रुचि ज्योतिष से संबंधित जैसे धार्मिक ग्रंथों से, और भी धार्मिक ग्रंथों के प्रति काफ़ी आपका विश्वास होता है, और इनकी सहायता आप जीवन में लेते रहते हैं। इसी के साथ में आपका शरीर बहुत गठीला, शक्तिशाली और निरोगी होता है। वहीं आप योग जैसे चीज़ों पर, मेडिटेशन, योग, इन सब में बहुत रुचि रखते हैं, और मीठा बोलने में ज़्यादा आपको कठिनाई आती है, यानी कि मीठा बोलना, आपकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी रफ हो सकती है। लेकिन आप विवेकवान और सही चीज़ें, भले ही वो कड़वे ढंग से बोलते हैं लेकिन सही चीज़ें बोलते हैं। बहुत ही चतुरता, शीघ्र कार्य करने की क्षमता और कार्य को संपन्न करने की क्षमता आपके अंदर है। मन से हो चाहे तन से हो, आप बलवान और एक प्रतापी, यानी कि आपका जो कर्म है उसके द्वारा आपकी काफी वाहवाही समाज में, संसार में होती है। शत्रु आपके सामने जीवन में टिक नहीं सकते, जो आपसे भिड़ गया समझो उसका नुकसान है। भाग्यवान तो आप है ही, क्योंकि भाग्य शनि दे देता है तीसरे भाव में बैठ करके। आपकी जरूरत के अनुसार आपको खूब सारा धन और जितनी जरूरत होती है जीवन में मिलता रहता है।
शनि के प्रभाव से आप एकदम शांत स्वभाव और एकांत प्रिय हैं, किसी में भेद न रखना आपकी आदत है, हमेशा दूसरों पर परोपकार, मदद करना, हेल्प करना, चाहे फाइनेंशियली हेल्प आप लोगों की सबकी करते रहते हैं, और बहुत सारे लोगों का पालन पोषण भी आप करते हैं। बहुत बड़े और ऊंचे स्तर की प्रसिद्धि यानी कि नेम फेम आपको मिलता है आपके जीवन में। बहुत सारी लग्जरी लाइफ आपके सामने पड़ी होती है, बहुत सारे वाहन आपके पास में होते हैं, लेकिन फिर भी आप एक सादगी भरा जीवन जीते हैं। आपके बहुत सारे मित्र हैं और उन मित्रों से काफ़ी, वो मित्र आपके हमेशा बुरे समय आपके काम आते हैं। दोस्तों, आपके अंदर किसी भी तरह का कोई लालच, किसी चीज़ को हड़पना, किसी का कोई बुरा चाहना, और साथ में अपने मन में, हृदय में किसी के प्रति कोई भी कालिख, कोई भी बुरी बात, कोई चिड़न, जलन, इस तरीके की कोई भी, यानी कि आपका हृदय जो है एकदम शुद्ध और विशुद्ध रूप में होता है, आप कभी भी किसी के बारे में कभी गलत चीज़ नहीं सोचते हैं। शनि तीसरे भाव में आपको, आपका जो व्यापार है या आप जो काम करते हैं, क्योंकि शनि तीसरे भाव में है, तो यहाँ पर आपको धार्मिक किन्हीं चीज़ों में या धर्म से रिलेटेड, धार्मिकता से संबंधित कोई ना कोई कार्य आप जीवन में कर सकते हैं और उसी से आपको प्रसिद्धि प्राप्त होती है। शनि तीसरे भाव में आपको न्याय यानी कि कोर्ट कचहरी से संबंधित या फिर जज का या फिर कोई बहुत अच्छा वकील बना सकता है। आपको लॉ में यानी कि कानून से संबंधित कोई ना कोई पोस्ट आपके जीवन में आपको प्रदान करता है और आप एक न्यायिक राजा के समान बहुत अच्छा फल और बहुत अच्छे फैसले लोगों को देते हैं। यदि आप कोई न्यायाधीश नहीं है, वकील भी नहीं है, तब भी आपसे लोग जो हैं हमेशा आपकी सलाह लेना पसंद करते हैं। इस तरीके का गुण जो है शनि तीसरे भाव में देता है और आपके क्रोध से, आपके प्रेम से और क्रोध से काफ़ी लोग घबराते हैं, आपकी बातों को कोई टाल नहीं सकता। जीवन में धन की कोई कमी नहीं, खूब सारा धन आपके जीवन में रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार का फल ये शनि यहाँ पर देता है, सैटर्न इन थर्ड हाउस के प्लेसमेंट पर। लेकिन यदि आप अधिक जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली से संबंधित और भी प्रश्न आपके मन में हैं, तो उसके लिए आप हमें हमारे इस वीडियो के स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अपॉइंटमेंट लें, फ़ोन करें, व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल्स भेजें। आपकी जो क्वारीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके अकॉर्डिंग, आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग आई विल गिव यू ऑल इंफॉर्मेशंस एंड सॉल्यूशंस। सो दोस्तों, आज का कार्य इतना ही, बाकी अधिक वार्ता करेंगे आपसे मिल करके, फोन के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से। तो प्रिय दर्शकों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के जरिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।